देखो ये तुम्हारा ट्रांसफॉर्मर पे बेस्ड न्यूमेरिकल, इसमें इन्होंने क्या बोला हुआ है, अ 4500 वोल्ट स्लैश 225 वोल्ट। इसका मतलब क्या होता है कि ये वाली जो पहले वाली वोल्टेज होती है ये क्या होती है, प्राइमरी वोल्टेज V1, और जो दूसरे वाली वोल्टेज होती है ये सेकेंडरी वोल्टेज होती है V2। ठीक है, तो लिख लो अपनी कॉपी में चाहे साथ के साथ, V1 इज इक्वल टू 4500, V2 इज इक्वल टू 225 वोल्ट। अब उसके बाद इन्होंने क्या दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी दी हुई है 50 हर्ट्स। सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर इज टू हैव एन अप्रॉक्सीमेट EMF पर टर्न इज 15 वोल्ट, राइट। तो यहाँ पे इन्होंने एक ट्रिक खेल गई है, EMF पर टर्न, मतलब एक टर्न पे तुम्हारी EMF कितनी जनरेट हो रही है, दैट इज 15 वोल्ट, करेक्ट। यही है इसका मतलब पर टर्न। तो हम ये लिख सकते हैं EMF, ठीक है, पर टर्न। टर्न कितने हो जाएंगे, ये N1 भी हो सकते हैं और N2 भी हो सकती है। तो EMF पर टर्न N1, E1 इज इक्वल टू 15, और दूसरे वाले केस के लिए भी हम लिख सकते हैं E2 by N2 इज इक्वल टू 15, राइट। EMF पर मतलब डिवाइड, टर्न मतलब नंबर ऑफ टर्न्स, नंबर ऑफ टर्न्स इज डिवाइड डिनोटेड बाय N1। तो E1 है तो N1 है, E2 है तो N2 है। और क्या क्या दिया हुआ है हमें, V1 दिया हुआ है 4500 वोल्ट, दैट इज V2 इज इक्वल टू 225 वोल्ट। तो V1 और V2 इज E1 एंड E2, मतलब ये वोल्टेज ही है एक तरह से। तो तुम ये मान लो कि 4500 डिवाइडेड बाय N1 इज इक्वल टू 15। सिमिलरली 225 डिवाइडेड बाय N2 इज इक्वल टू 15। क्लियर है ये चीज़। तो यहाँ से क्या हमारे पास N1 की वैल्यू और N2 की वैल्यू आ जाएगी, कितनी आएगी यहाँ से निकालोगे तो 4500 डिवाइडेड बाय 15, दैट इज 300, और यहाँ से निकालोगे तो 225 डिवाइडेड बाय 15, दैट इज 15। तो कितने नंबर ऑफ टर्न्स हैं प्राइमरी साइड पे, अगर हम डायग्राम बनाएं तो प्राइमरी साइड पे कितने नंबर ऑफ टर्न्स हैं 300, और सेकेंडरी साइड पे कितने नंबर ऑफ टर्न्स है 15। अब मुझे ये बताओ ये तुम्हारा कौन सा ट्रांसफॉर्मर बना, स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर या स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर, ध्यान से देख के बताओ, स्टेप डाउन। ठीक है, अब क्वेश्चन पे आ जाते हैं, इन्होंने क्या बोला हुआ है, ऑपरेट विद अ मैक्सिमम फ्लक्स ऑफ 1.4 टेस्ला। तो फ्लक्स दिया हुआ है इन्होंने बेसिक 1.4 टेस्ला। अब देखो यहाँ पे इन्होंने बहुत ही बड़ी कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट दी है, क्या कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट दी है, एक होता है तुम्हारा फ्लक्स, ठीक है, फ्लक्स को हम किससे डिनोट करते हैं, फाई, और एक होता है तुम्हारा फ्लक्स डेंसिटी, फ्लक्स डेंसिटी को हम किससे डिनोट करते हैं, बी से। इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप होता है, क्या रिलेशनशिप होता है, फाई इज इक्वल टू बी मल्टीप्लाइड बाय ए, ओके। फाई इज द फ्लक्स, बी इज द फ्लक्स डेंसिटी, एंड ए इज द एरिया जिसके स्टैंडर्ड यूनिट इज मीटर का मीटर स्क्वायर, तुमने ये मैग्नेटिक में भी पढ़ा था, राइट। अब फाई की यूनिट क्या होती है, वेबर, फ्लक्स की यूनिट क्या होती है, हमेशा वेबर, और इसकी यूनिट हमें नहीं पता, मान लो एरिया की तो तुम्हें पता ही है मीटर स्क्वायर। तो अगर मैं यहाँ से फ्लक्स डेंसिटी की यूनिट निकालना चाहूँगी तो क्या आ जाएगी, दैट इज वेबर पर मीटर स्क्वायर, और 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर किसके इक्वल होगा, 1 टेस्ला। तो इन शॉर्ट फ्लक्स डेंसिटी की यूनिट क्या होगी, या तो इन्होंने वेबर पर मीटर स्क्वायर दे रखी होगी या फिर टेस्ला की फॉर्म में देगी, या और फ्लक्स की यूनिट क्या होगी, हमेशा वेबर होगी। अब यहाँ पे देखो इन्होंने क्या बोल दिया, ऑपरेट विद अ मैक्सिमम फ्लक्स ऑफ 1.4 टेस्ला। बोल तो ये फ्लक्स रहे हैं बट इन्होंने यूनिट किसकी दे दी, टेस्ला, मतलब टी मतलब टेस्ला, फ्लक्स डेंसिटी की यूनिट दे दी। तो तुम्हें कौन सा केस, तुम सोचोगे मैम फ्लक्स लें या फ्लक्स डेंसिटी लें, तो तुम्हें मेनली यूनिट के अकॉर्डिंग जाना है, यूनिट टेस्ला है तो इसका मतलब इन्होंने बी की वैल्यू दी हुई है ना कि फाई की वैल्यू दी हुई है। क्लियर ये चीज़। वैसे जनरली ऐसे देना नहीं चाहिए क्वेश्चन में, इन्होंने दिया हुआ तो तुम यूनिट के ही अकॉर्डिंग जाओगे, ठीक है।
अब इन्होंने क्या पूछा हुआ है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी टर्न्स, N1 और N2 वो तुमने निकाल दिए, द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कोर, क्रॉस सेक्शनल एरिया मतलब A की वैल्यू निकालनी है, B की वैल्यू इन्होंने दे दी ऑलरेडी, दैट इज़ 1.4 टेस्ला। अब हमें फ्लक्स की वैल्यू पता होगी तभी तो हम एरिया निकाल सकते हैं, और फ्लक्स के लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है, दैट इज़ EMF इक्वेशन पे आ जाओ, इनमें तुम्हें यही फॉर्मूले यूज़ करने पड़ेंगे, E2 इज इक्वल टू 4.44 N2F φm, φm इज़ द मैक्सिमम फ्लक्स, या फिर क्या यूज़ करना पड़ेगा, φ इज इक्वल टू B इंटू A, ठीक है। अब E2 पता है, पता है, N2 पता है, पता है, F पता है, पता है, क्या यहाँ से φm आ जाएगा, मतलब φm मतलब मैक्सिमम फ्लक्स आ जाएगा। अब यहाँ पे ये मैक्सिमम फ्लक्स है तो मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी भी होगी। E2 कितना है जो हमने हमारे पास दिया हुआ है, दैट इज़ 225 इज इक्वल टू 4.44 एज इट इज़। N2 हमने कैलकुलेट कर लिया था, दैट इज़ 15, तो 15 फ्रीक्वेंसी दी हुई है 50 हर्ट्स, तो यहाँ से 5m की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। सॉल्व करोगे तो तुम्हारे पास या तो ये वाला फॉर्मूला लगा लो या ये वाला लगा लो, E1 इज इक्वल टू 4.44 N1F5m, दोनों ही केसेस में तुम्हारे पास सेम आंसर आएगा 5m का। तो 5m का आंसर निकालोगे तो तुम्हारे पास आ रहा है कैलकुलेट करके, दैट इज़ 0.0676 वेबर। फाई पता है, बी पता है, एरिया निकल जाएगा तो एरिया कितना हो जाएगा, फाई एम बाय बी एम, फाई एम इज़ 0.0676 डिवाइडेड बाय 1.4, तो ये आ जाएगा तुम्हारे पास 0.0483 मीटर स्क्वेयर, 0.0483 मीटर स्क्वेयर, ठीक है। इसमें सिंगल फेस 50 हर्ट्स फ्रीक्वेंसी, मींस एफ इज इक्वल टू 50 हर्ट्स, ट्रांसफॉर्मर हैज 25 प्राइमरी टर्न्स, मींस N1 इज इक्वल टू 25, N2 इज इक्वल टू 300, द क्रॉस सेक्शनल एरिया, एरिया इज 300 सेंटीमीटर, तो उसको मीटर में ज़रूर करना, ठीक है, माइनस 4 हो जाएगा मीटर स्क्वेयर। व्हेन द प्राइमरी वाइंडिंग इज कनेक्टेड टू 250 वोल्ट सप्लाई, तो V1 भी दिया हुआ है 250 वोल्ट, डिटरमाइन द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्लक्स डेंसिटी, तुम्हें किसकी वैल्यू निकालनी है, BM की, वोल्टेज इंड्यूस्ड इन द सेकेंडरी वाइंडिंग, और E2 की, ठीक है। अब बताओ कैसे होगा, E1 कितनी है 250, 4.44 एज इट इज, N1 कितना है 25, फ्रीक्वेंसी 50, फाइव एम आ जाएगा वहाँ से, फाइव एम आ गया तो BM का क्या फॉर्मूला होता है, फाइव एम डिवाइडेड बाय A, फाइव एम पता है, एरिया पता है, BM आ जाएगा। अब 4.44 पता है, N2 पता है, F पता है, फाइव एम पता है, E2 आ जाएगा, ओके। इसमें देखो ये V1 हो गया, V2, तो जो जो चीज़ें दी हुई है वो साथ के साथ लिखते जाओ, V1 इज इक्वल टू 500 वोल्ट, V2 इज इक्वल टू 100 वोल्ट, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 50 हर्ट्स, मैक्सिमम क्लोर फ्लक्स डेंसिटी, देखो यहाँ पे फ्लक्स डेंसिटी दे दिया, ये ठीक करा इन्होंने, BM इज इक्वल टू 1.5 टेस्ला, एरिया इज 50 सेंटीमीटर, मतलब 50 × 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर, यहीं पे कन्वर्ट कर लो, डिटरमाइन द नंबर ऑफ टर्न्स N1 एंड N2, ये निकालना है तुम्हें, बताओ कैसे निकालोगे। तीन फॉर्मूलेज होते हैं पावर के, पावर का एक फॉर्मूला होता है V × I, कॉमन फॉर्मूला, एक फॉर्मूला होता है I²R, ठीक है, और एक फॉर्मूला होता है P इज इक्वल टू V²R। तो अब डिपेंड करता है क्या रिक्वायरमेंट है, यहाँ पे इन्होंने बोल दिया लोड है, लोड कितने वॉट कंज्यूम कर रहा है, 12 वोल्ट एंड 150 वॉट, राइट। अब यहाँ से तुम क्या निकाल सकते हो, तुम्हें यहाँ से I1 निकालना है और I2 निकालना है, बताओ कैसे निकालोगे, लोड मतलब सेकेंडरी साइड हो गई, तो बताओ कैसे निकालोगे,
पावर का क्या फॉर्मूला होता है? वी स्क्वायर बाय आर होता है। पावर दी हुई है कितनी? 150। वोल्टेज दी हुई है 12, 12 का स्क्वायर। रेजिस्टेंस आ जाएगा। बोलो, रेजिस्टेंस आ जाएगा यहाँ से। हमारे पास फॉर्मूला होता है P इज इक्वल टू वी स्क्वेयर बाय आर। पावर दी हुई है 150। वोल्टेज दी हुई है कितनी? 12 वोल्ट दी हुई है ना, और यहाँ से आर आ जाएगा। इसी तरह प्राइमरी साइड पे देखो, वोल्टेज दी हुई है 240 वोल्ट। नंबर ऑफ टर्न्स हमें पता है, तो यहाँ से क्या हमारे पास करंट निकालना है? बताओ, सोच के बताओ कैसे आएगा करंट। देखो सिंपल सा क्वेश्चन है ये, हमें क्या निकालना है? हमें मेनली I1 की वैल्यू निकालनी है और I2 की वैल्यू निकालनी है। सेकेंडरी साइड पे हमें पावर दी हुई है 150 वोल्ट, वोल्टेज दी हुई है 12 वोल्ट। ये सारी सेकेंडरी साइड पे है। प्राइमरी साइड पे सिर्फ एक वोल्टेज दी हुई है 240 वोल्ट, ठीक है। पावर का हमारे पास फॉर्मूला होता है V इंटू I। पावर है 150, वोल्टेज है, उल्टा लिख दिया मैंने ये वोल्ट, 12। तो यहाँ से हमारे पास करंट आ जाएगी 150 डिवाइडेड बाय 12। सॉल्व करके आ रहा है हमारे पास 12.5 एम्पियर। तो ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई? I2 की वैल्यू आ गई 12.5 एम्पियर, ठीक है। अब तुम्हारे पास एक फॉर्मूला होता है रेशियो का, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो का। क्या V2 बाय V1 इज इक्वल टू I1 बाय I2 होता है ना? वोल्टेज हमेशा अपोजिट होती है। लाइक V2 बाय V1 है, तो I1 बाय I2 है, इज इक्वल टू K। K इज द टर्न रेशियो। तो इन्होंने K की वैल्यू पूछी हुई है, टर्न रेशियो पूछी हुई है। बेसिकली V2 हमें पता है सेकेंडरी साइड पे वोल्टेज कितना है, 12 है। V1 हमें गिवन है प्राइमरी साइड पे वोल्टेज कितना है, 240 है। I1 हमें निकालना है, I2 हमने निकाल लिया था 12.5 एम्पियर। तो क्या यहाँ से हमारे पास I1 की वैल्यू आ जाएगी? ये बताओ। और अगर हमारे पास I1 की वैल्यू आ गई, तो इन दोनों की रेशियो भी आ जाएगी। सी इन दिस क्वेश्चन, इन्होंने ये दे दी प्राइमरी V1 और ये दे दी सेकेंडरी, ठीक है। वोल्ट्स बाय अ सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर टेक्स अ, क्या लिखा हुआ है तुमने, करंट ऑफ 0.5 एम्पियर। तो ये वाली जो करंट है 0.5 एम्पियर, कोर लॉस इज 400 वॉट। वॉट होंगे ये, क्योंकि लॉसेस का फॉर्मूला वॉट होता है। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ कोर लॉस कॉम्पोनेंट ऑफ द नो लोड एंड मैग्नेटाइजिंग वैल्यू। तो बेसिकली देखो, हमारे पास दो कॉम्पोनेंट, एक होती है हमारे पास नो लोड करंट। नो लोड करंट को दो कंपोनेंट में हम डिवाइड करते हैं, एक होता है मैग्नेटाइजिंग करंट, एक होता है हमारा वर्किंग करंट। मैग्नेटाइजिंग करंट का फॉर्मूला होता है I0 cos φ0, और वर्किंग करंट का फॉर्मूला होता है I0 sin φ0। और पावर का फॉर्मूला होता है, पावर का तुम्हें पता ही है, VI cos होता है। तो V1 I फॉर I0 नो लोड करंट के लिए, cos φ0। तो बेसिकली इसमें तुम्हारा ये वाला फॉर्मूला लगेगा इस क्वेश्चन में, P इज इक्वल टू VI cos φ। पावर पता है, पता है कितनी है, 400 वॉट है, 400 लिख दो। वोल्टेज पता है, पता है वोल्टेज, पता है, पता है कितनी है, 240 वोल्ट है, तो 240 लिख दो। करंट पता है, पता है 0.5 एम्पियर। तो यहाँ से क्या cos φ की वैल्यू आ जाएगी? ये बताओ, आ जाएगी ना। इंटू cos φ, मैं यही पे लिख रही हूँ। पावर पता है, वी पता है, I0 पता है, cos φ आ जाएगा। cos φ आने के बाद इन्होंने दो कॉम्पोनेंट्स ये पूछे हुए हैं, मैग्नेटाइजिंग करंट और वर्किंग करंट। cos φ जो यहाँ से निकालेंगे, यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर देंगे, करंट ऑलरेडी गिवन है 0.5। सिमिलरली वर्किंग करंट के केस में 0.5, cos φ पता है तो sin φ भी आ जाएगा। किस फॉर्मूले से? cos²φ प्लस sin²φ0 या cos²φ0 इज इक्वल टू 1। ये वैसे जनरली आता नहीं है इस टाइप का,
ये थोड़ा सा मैग्नेटाइजिंग करंट, मतलब हाई लेवल का सर ने तुम्हें क्वेश्चन करवा दिया, बट स्टिल ये फॉर्मूलेज लिख लो, अगर पेपर में आ गया तो एटलीस्ट यू कैन अटेम्प्ट, राइट। देखो इन्होंने ये तुम्हारे पेपर में आया हुआ है, ईएमएफ पर टर्न ऑफ दिस 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 इज 10 वोल्ट, मतलब ईएमएफ ई1 पर, मतलब डिवीजन टर्न, मतलब मैंने बताया था N1 कितनी दी हुई है 10 वोल्ट, राइट। V1 इज हाउ मच 2200, V2 इज हाउ मच 220, कैलकुलेट द नंबर ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी टर्म्स, सेम वही चीज़ हो गई, E2 बाय N2 इज इक्वल टू 10। तो E1 पता है हमें कितना है 2200, यहाँ से N1 आ जाएगा 220, राइट, और E2 कितना है 220, तो यहाँ से N2 आ जाएगा 22। तो नेट क्रॉस सेक्शनल एरिया फ्लक्स डेंसिटी दिया हुआ है, तो BM इज इक्वल टू 5M डिवाइडेड बाय एरिया, एरिया हमें निकालना है। BM दे हैव गिवन 1.5 टेस्ला, 5M चाहिए, तो 5M के लिए विल हैव फॉर्मूला E2 इज इक्वल टू 4.44N2F5M। E2 भी पता है 220, 4.44 भी पता है, N2 भी पता है 22, राइट, F भी पता है फ्रीक्वेंसी, 5M निकालना है। बस इसमें 10 KVA का कोई रूल नहीं है, जब भी आया ना ट्रांसफार्मर में KVA में अपेरेंट पावर, इसका कभी भी कोई रोल नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ से तुम्हारा 5M आ गया, 5M यहाँ सब्सटीट्यूट कर दोगे, BM ऑलरेडी पता है, एरिया आ जाएगा। बिल्कुल सेम वैसे ही क्वेश्चन था जो मैंने स्टार्टिंग में फर्स्ट करवाया था, तो दिस इज द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, यू कैन मार्क इट, क्योंकि बच्चे इस पे अटकेंगे, ठीक है। और इस टाइप का क्वेश्चन तुम्हारे सर ने भी बोला है कि आएगा, और तुम्हारे ऑलरेडी पेपर में भी आया हुआ है, तो मार्क कर लो इसे इम्पॉर्टेंट।